हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक शेयर से रिलेटेड। यहाँ पर इस शेयर का नाम है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड। इससे पहले मैंने भी नहीं सुना था, बट मैं यहाँ पर रिसर्च कर रहा था तो मुझे ये शेयर यहाँ पर दिखाई दिया और ये शेयर लगभग 5% के आसपास का यहाँ पर तेजी भी हुई है। और क्या हमें इस शेयर को लेना चाहिए, क्या यहाँ पर इस शेयर में मुझे नजर आता है, चार्ट पैटर्न इसका कैसा है, एज वेल एज अगर हम यहाँ पर बात करें क्या इस शेयर में क्या होता हुआ नजर आ सकता है, वो चीजों से रिलेटेड हम बातें करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस कंपनी से रिलेटेड। पर उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि एक वीडियो अपलोड हो रही है उसे देखिएगा, भारत वायर से रिलेटेड। बैंक सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने पाए शेयर वैसे खुद की स्टडी करना है। और यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट, और यहाँ पर वीडियोज देखिए। यहाँ पर वीडियोज देखेंगे तो पैसा आपका बनता हुआ नजर आएगा और लर्निंग मोस्टली है यहाँ पर, लर्निंग लर्निंग मिलेगी। और आपको पता है हम जैसे स्टॉक्स बताते हैं भागते हुए नजर आते हैं, तो उसके पीछे का रीजन क्या है और वो चीज अगर आप सीखना चाहते हो, स्टॉक मार्केट में सीरियस हो, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इन नंबरों पे 8860540501 8169261037 कांटेक्ट करिए। इन नंबरों पे कांटेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको ये कोर्स दिखाई देगा, जो मैं आपको कराऊंगा। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, बेसिक्स टू एडवांस टेक्निकल रिसर्च फंडामेंटल, ये सब चीज सिखाऊंगा। और इस कोर्स को करने के बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 17,500 में ये कोर्स, 3 मंथ्स की प्रैक्टिकल लर्निंग, हैंड होल्डिंग जिसे हम कहते हैं, स्ट्रेटेजी यूज इन स्टॉक मार्केट, ऑनलाइन नोट, सब कुछ यहाँ पर दिया जाएगा। और याद रखिए, इस कोर्स को करने के बाद दुनिया की किसी मार्केट में भी चले जाइएगा, काम आपका होता हुआ नजर आएगा, बट मेरे अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। और अगर इस कोर्स की कीमत 1 से 2 लाख रुपए, बस 17,500 में सिखा रहा हूँ, और इस कोर्स को करने के बाद आप अगर ना सीख पाए, अगर मेरे अकॉर्डिंग चलोगे तो पैसा डेफिनेटली बनेगा, और अब मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलोगे, मैं आपको बताऊंगा कुछ और, आप कुछ और यहाँ पर इंप्लीमेंट कर रहे हो तो बात अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके अच्छे खासे पैसे, और ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि 5% 10%, मैं आपको अच्छे पैसे की बात कह रहा हूँ। और आप चाहो तो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हो, 1,000 रुपए पर मंथ देके, जहाँ पर हम अच्छे अच्छे स्टॉक्स डालते हैं। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से हमारे स्टॉक्स अपर सर्किट लगता हुआ नजर आ रहा है, 10% 5% भागते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए 14%, ये देखिए TMB, आज हम जिससे रिलेटेड बात कर रहे हैं TMB स्टॉक्स का नाम है। और यहाँ देखिए TMB, यहाँ पर कल हमने यहाँ पर दे दिया था, और देखिए 4% अब। ये पोर्टफोलियो हमारे यहाँ पर एक क्लाइंट का जो हमें बेचते हैं, यहाँ पर देखिए डेली पैसा बन रहा है उनका, ये आज का प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। बाकी यहाँ पर देखिए आज जितना पैसे डालोगे उतना पैसे बनेगा। यहाँ पर देखिए ये स्टॉक इन फोकस, ये देखिए ये स्टॉक्स दिए, कोई 10% ऊपर, कोई 14% ऊपर, कोई कितने परसेंट ऊपर, तो इस तरीके से यहाँ पर पैसे बनते हुए आपके नजर आएंगे। तो TMB की अगर हम बात करें, कंपनी करती क्या है, कंपनी यहाँ पर देखिए जैसे ही बैंक लिख रहा है तो बैंक ही है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। सबसे पहले इट ऑफर एन एरे ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस और रिटेल कस्टमर, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। तो यहाँ पर हम बात करें MSME एज वेल एज यहाँ पर रिटेल के बिजनेस में ये कंपनी, यहाँ पर ये बैंक है। शेयर की बात करें तो शेयर अभी 2022 में ही सितंबर में आता हुआ IPO आया, और उसके बाद यहाँ पर एक छोटी सी गिरावट आपको यहाँ पर दिखाई देगी। शेयर की बात करें तो यहाँ पर देखिए शेयर में ओल्डेस्ट लीडिंग बैंक है, अच्छा खासा इनका 509 ब्रांचेस है, 106 यहाँ पर हम बात करें तो रूरल में है, 247 यहाँ पर सेमी रूरल, सेमी अर्बन, और 18 अर्बन और 76 मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स में यहाँ पर इनकी ब्रांचेस है। तमिलनाडु में इनका ज्यादा वो है, इसलिए तमिलनाडु ही इनका नाम के नाम से ही है। बात करें कंपनी 15 अदर स्टेट्स में भी है, 4 यूनियन टेरिटरी में भी काम कर रही है। अच्छा खासा बिजनेस मॉडल है, MSME, एग्री, रिटेल, कॉर्पोरेट सबको यहाँ पर लोन देते हुए नजर आते हैं। कंपनी की बात करें ना के बराबर NPA है, ग्रॉस NPA भी कम है इनके, अच्छे खासे यहाँ पर कंपनी काम करती हुई नजर आती है। और क्या चीज है वो सब यहाँ पर देख लेंगे। IPO की बात करें 830 करोड़ का फ्रेश इशू यहाँ पर IPO के थ्रू इनका आता हुआ दिखाई दिया था। यहाँ पर देखिए स्मॉल कैप बैंक है, 6 का PE पे है, इंडस्ट्री का PE 13 का है, तो बैंक का PE इतना ही मिलेगा, ज्यादा एक्सपेक्ट मत करिएगा। ROC ROE देखने की जरूरत नहीं है हमें यहाँ पर, लॉन्ग टर्म नहीं देखना, डेट हमें देखने की यहाँ जरूरत नहीं है, 842% दिख रहा होगा, बट यहाँ पर बैंक क्या है, लेंडिंग का काम कर रहा है तो डेट रहेगा ही रहेगा। प्राइसिंग यहाँ पर ना के बराबर है, यहाँ पर 548 का हाई, 52 वीक हाई है, और 427 पे ये शेयर यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। इंटरेस्टिंग वैल्यू भी इसकी 477 के आसपास है। बैंक के बारे में और जानना है इनकी बैंक पे जाइए, इनकी उसमें जाइए साइट्स पे, तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि ये क्या क्या चीजें ऑफर कर रहे हैं। अच्छा खासा यहाँ पर ये RD FD और ये सब चीजों में कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है, अच्छा खासा यहाँ पर शायद बैंक है, मुझे नहीं पता, मैं पहली बार ही सुन रहा हूँ जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ। और यहाँ पर बात करें रिवेन्यू की, तो कंपनी यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी बैंक अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रही है, और 1,070 करोड़ रुपए का रिवेन्यू किया है।
एज वेल एज प्रॉफिट की बात करें तो 163 का यहाँ पर फाइनेंशियल प्रॉफिट है। मार्जिन की फाइनेंशियल मार्जिन की बात करें 15% का मार्जिन है, जो कि ईयरली बेसिस पर दुगना नजर आता है, क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर जरूर यहाँ पर कम नजर आता है। और यहाँ पर कंपनी का परफॉर्मेंस ईयरली बेसिस पे भी काउंट करेंगे तो अच्छा खासा यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट भी है। ओके, कंपनी अच्छा खासा यहाँ पर ओवरऑल काम करती हुई नजर आती है, बैंक अच्छा खासा काम करती हुई नजर आती है। और दूसरे बड़े बड़े बैंक भी देखोगे ना तो उनके मार्जिन यहाँ पर आपको पता चलेगा कि नेगेटिव में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट ये छोटा सा बैंक यहाँ पर आपको मार्जिन क्या दिखा रहा है, एकदम बेहतरीन। यहाँ पर देखिए फाइनेंशियल मार्जिन कौन सा बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक, क्या है इसके मार्जिन, माइनस में 17%। और यहाँ पर जो मैं आपको आपके लिए बैंक लेके आया हूँ वो उसका नाम क्या है, टीएमबी। तो टीएमबी के मार्जिन क्या है, पॉजिटिव। तो ये छोटे बैंक वो जब पॉजिटिव दिखा रहे हैं और बड़े बड़े बैंक नेगेटिव दिखा रहे हैं तो उस चीज के वो भी आपको यहाँ पर सोचना पड़ेगा। कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रही है, ईयरली बेसिस पर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, रिजर्व्स कंपनी के पास अच्छे खासे यहाँ पर अभी अपडेट हुआ है, इसी के आसपास होंगे या थोड़े बहुत ऊपर नीचे होंगे। बोरिंग कंपनी के पास अच्छी खासी बढ़ रही है, जो कि अच्छी बात है। कंपनी का इन्वेस्टमेंट देखिए 13,000 करोड़। कैश की बात करें कंपनी के पास अच्छा खासा यहाँ पर कैश भी पड़ा हुआ है, तो कंपनी अच्छा खासा ओवरऑल बाग काम करती हुई नजर आती है। FIs है नहीं, FIs थे यहाँ पर सेप्टेम्बर में यहाँ पर बेच के निकल गए। ओके, 23% से अगर हम बात करें अब यहाँ पर 0.22% के यहाँ पर FIs है। DIs की बात करें DIs यहाँ पर बने हुए 5.232% की यहाँ पर DIs के पास है, पब्लिक के पास 94 है। बट 94 में भी आप देखोगे कुछ बड़े बड़े, सॉरी, ये जो जितने भी FIs थे ना यहाँ पर इलाके इन्होंने चिपका दिए, बाकी यहाँ पर देखिए अच्छी खासी हिस्सेदारी यहाँ पर नजर आती है। ओके, तो किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्च में आप देखेंगे, मार्च 2023 में, ओके, यहाँ पर देखिए प्रमोटर्स है, जो डायरेक्टर्स है वो खुद ही यहाँ पर देखिए, कोई 87 लाख, कोई 1 करोड़ 18 लाख, कोई 89 लाख, कोई 39 लाख, कोई 19 लाख। तो लगातार प्रमोटर्स यहाँ पर इसमें क्या कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं। तो अगर इसमें बाइंग कर रहे हैं तो उन्हें यहाँ पर नजर आ रहा है कि इनकी इनके पास कुछ यहाँ पर है, पॉजिटिव है। और मैंने यहाँ पर देखा है, देखिए जो भी जब भी प्रमोटर्स खरीदते हैं ना तो कुछ टाइम बाद शेयर में एक क्या होती है, एक बहुत बड़ी तेजी आती हुई दिखाई देती है। ठीक है, अभी बेशक से अभी मार्च चल रहा है, ओके, अप्रैल आ गया, आपको लग रहा होगा क्या शेयर भागा, कुछ भी नहीं भागा, गिरता हुआ नजर आ रहा है, 6-7% 10% भाग गया तो क्या। बट थोड़े बहुत टाइम का अगर आप वेट करोगे तो पैसे यहाँ पर बनते हुए नजर आ सकते हैं, एज पर माई स्टडी और रिसर्च। यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखिए कंपनी के रिजल्ट अच्छे खासे आ रहे हैं और ये भी एक पॉजिटिव सिग्नल ही कहीं ना कहीं दिखाई देता है। अब बात करते हैं यहाँ पर चार्ट से रिलेटेड, बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट, बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, और इन नंबरों को नोट करके कोर्स की डिटेल्स ले लीजिए। और भी बहुत सारी इसके अंदर है, क्या क्या सिखा रहे हैं वो आपको पता चलेगा। और यहाँ पर इस तरीके के पैसे कमाना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए, प्लस में हमारी सर्विस को ज्वाइन कर लीजिए। अगर पोर्टफोलियो बढ़ाए हमसे डायरेक्ट बात करिए, मेरे से डायरेक्ट बात करिए, आपको पता चलेगा। टीएमबी की बात करें, शेयर आया था उसके बाद से एक लगातार गिरावट है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो शेयर में टेक्निकल बेसिस पे यहाँ पर ये शेयर लगभग 27% गिरता हुआ नजर आया था और अभी भी 22% की गिरावट। और ये गिरावट मैं इसे नॉर्मल गिरावट ही मानूंगा, कोई बड़ी गिरावट मैं इसे यहाँ पर कंसीडर नहीं करूंगा। शेयर की बात करें, शेयर अच्छा खासा चलता हुआ नजर आ रहा है। अगर कोई यहाँ पर खरीदना चाहता है, इच्छुक है, मुझे अच्छा नजर आता है यहाँ से, हो सकता है क्योंकि ये गिरावट में अभी एक गिरती हुई चाकू है, ओके, और अगर हम इसे पकड़ने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है हमारा हाथ चीर के निकल जाए और हमारे हमें यहाँ पर लहूलुहान कर दे। बट अगर आप यहाँ पर देखें, ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है, दोनों साइड के यहाँ पर अभी रहेंगे। अभी यहाँ पर बाइंग की वैसे मैं आपको सलाह नहीं दूंगा, बट स्टिल आप यहाँ पर खरीदना चाहते हैं तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस 420 रुपए का, ओके, 420 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर कैरी कर सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ पर ये शेयर अच्छे रिटर्न दे दे और यहाँ पर 8% के आसपास के रिटर्न आपके शॉर्ट टर्म में बन जाए। और थोड़ा सा आप होल्ड करो तो शेयर दोबारा यहाँ पर भागता हुआ नजर आए और यहाँ पर शायद 30-1% के रिटर्न बन जाए। बट अगर कहाँ पर असली खरीदारी कहाँ पर होगी, ओके, और अगर शेयर नीचे आ जाता है तो अभी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर मार्केट में बहुत सारे शेयर है तो उस टाइम यहाँ पर इग्नोर करिएगा। बट इग्नोर करने का मतलब ये नहीं है कि बाइंग से इग्नोर करिएगा, वॉच लिस्ट से इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि ऐसे ही शेयर कब यहाँ पर आपके पैसे बना के चले जाते हैं आपको यहाँ पर खुद पता नहीं चलेगी। 470 रुपए, 470 रुपए का लेवल जैसे ही जिस दिन निकालेगा तो याद रखिएगा इस शेयर में एक तेजी होगी जो इसे शायद 800 और 1000 रुपए तक के लेवल निकाल के ले जाए। तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है। लेवल्स आपको बता दिए है, शेयर की बात करें, बैंक्स की बात करें, अच्छा खासा नजर आता है यहाँ पर। दूसरे कम बड़े बड़े बैंक्सों के मार्जिन नेगेटिव में है, इसके पॉजिटिव में है, ओके, सब चीज यहाँ पर अच्छी है। और बैंक शेयर आपको पता ही है किस तरीके से परफॉर्म करते हैं जब चलते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट, नंबर को नोट कर लीजिए और कोर्स की जानकारी ले लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए, प्लस में यहाँ पर इन नंबरों पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।